डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जीपेट, डीसीओ और यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और आज लगभग मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, डिफरेंट प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद में आप वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज हम कौन से सब्जेक्ट के पार्ट वन किसकी बात कर रहे हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्टेंट ड्रग्स से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिकली ये सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन डिप्लोमा सेकेंड ईयर में ये सारी की सारी ड्रग्स आपको, स्ट्रक्चर वाली ड्रग है जो डिप्लोमा सिलेबस है, स्ट्रक्चर वाली ड्रग है, मींस डी फार्म की सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। पर डी फार्म सेकेंड ईयर में ये जिनकी आपको स्ट्रक्चर याद करनी होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो वाली सारी ड्रग्स हैं। और इन सभी ड्रग्स से ये मजे की बात ये है कि ये सारी की सारी ड्रग्स बी फार्म सिलेबस में भी है। ओके, इसका मतलब बी फार्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डी फार्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि बी फार्म में है इसका मतलब ये जी पेट में भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी की फार्मेसी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छा काम करेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, विच ड्रग इज क्विनोलिन डेरिवेटिव? कौन सी ड्रग है जो क्विनोलिन डेरिवेटिव है? अपन देखते हैं, अपन इंडिविजुअल ड्रग की बात करते हैं। जैसा कि क्लोरोक्विन की बात आ रही है, तो क्लोरोक्विन का ये वाला स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्विनोलिन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के साथ में एक रिंग सिस्टम और जुड़ा रहता है जिसमें एक नाइट्रोजन रहता है, उसको हम क्विनोलिन बोलते हैं। ओके, ये होता है क्विनोलिन, शायद समझ में आ गया होगा। तो देखना, ये वाला रिंग सिस्टम इसमें बेंजीन में है, ये क्लोरोक्विन में है, ये बेंजीन आ गया, और ये साथ में इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? पिरिडिन बोलते हैं। ओके, पिरिडिन, बेंजीन के साथ में पिरिडिन जुड़ा रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्विनोलिन बोलते हैं। यदि यहाँ पे R की जगह यदि H होगा तो ये होगा क्लोरोक्विन, यदि R की जगह OH होगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किसमें यूज की जाती है? कोरोना में दी जाती है। ओके, और क्लोरोक्विन किसमें दी जाती है? जनरली मलेरिया वगैरह में दी जाती है। ओके, तो आपको पता लग गया होगा क्लोरोक्विन का। दूसरी बात आती है पामाक्विन, पामाक्विन का यही स्ट्रक्चर है जिसमें अगेन क्विनोलिन रिंग सिस्टम है, कि क्विनोलिन रिंग सिस्टम एक बेंजीन ये आ गया और एक पिरिडिन रिंग सिस्टम ये आ गया। ओके, फिर एक नेक्स्ट आता है अगेन प्रिमाक्विन, ये वाला हो गया प्रिमाक्विन, प्रिमाक्विन में समझ में आ रहा होगा अगेन बेंजीन एंड यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं? पिरिडिन। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी तीनों रिंग ड्रग्स में प्रिमाक्विन चाहे पामाक्विन या क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सभी में क्विनोलिन रिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। और तीनों ये ड्रग्स कौन सी कैटेगरी की है? ये ड्रग्स है एंटी मलेरियल कैटेगरी की। ओके, तो एंटी मलेरियल कैटेगरी की है, आप लोगों को शायद पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एंटी साइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोमाजीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ? क्लोरप्रोमाजीन की बात करें, यदि हम एंटी साइकोटिक की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक की, तो फ्रेंड्स ये वाला क्लासिफिकेशन है जिसमें पहली कैटेगरी आपकी फिनोथायाजीन में उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसकी कैटेगरी है एलिफेटिक साइड चेन, दूसरी पाइपरिडिन साइड चेन,
चेन, तीसरी पाइपराजीन साइड चेन, और इनका एग्जाम्पल है यदि एलिफेटिक होता होगा तो उसका एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजीन, पाइपरिडीन की थायोरिडाजीन एंड पाइपराजीन की फ्लूफेनाजीन। ओके, सिमिलरली दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पे थायोजेंथिन, जिसमें डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे कार्बन 10 पे, जिसमें थायोथिक्सिन करके एक ड्रग होता है जो एज ए एंटीसाइकोटिक होगा। ओके, थर्ड कैटेगरी आती है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्यूटायरोफिनोन्स। ब्यूटायरोफिनोन्स में एरोमेटिक ब्यूटाइल पाइपराडीन एंड डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपराडीन होता है, जिसका एग्जांपल है हैलोपेरिडोल। ये हैलोपेरिडोल इंपोर्टेंट रंग है, जैसा कि यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन था। ओके, सिमिलरली फोर्थ कैटेगरी आती है यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा, न्यूअर ड्रग्स। न्यूअर ड्रग्स में मिसलेनियस कैटेगरी आती है, जिसमें न्यूअर ड्रग्स में क्या है, रेस्पिरिडोन, क्लोजापीन एंड ओलंजेपीन। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो बात करते हैं अपन कौन सा, क्लोरप्रोमाजीन की। क्लोरप्रोमाजीन की ये वाली स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला रिंग सिस्टम जो है, ये जो रिंग सिस्टम है, इस रिंग सिस्टम को बोलते हैं फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन ये वाला रिंग सिस्टम है। इस तरह से हमारा रिंग जो क्लोरप्रोमाजीन का यहाँ पे डेरिवेटिव किसकी बात करेंगे, फिनोथायाजीन की। नाम से पता लग रहा है फिनो का मतलब फिनाइल, थाया का मतलब सल्फर, एजा का मतलब नाइट्रोजन, इन का मतलब सिक्स मेंबर। तो दो फिनाइल रिंग है, नाइट्रोजन है इसमें, सल्फर है इसमें, और एक फिनाइल है। इस तरह से फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है। ओके, फिर बात करते हैं आंसर हो गया कौन सा, फिनोथायाजीन। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज करेक्ट अबाउट द हैलोपेरिडोल। अभी अभी अपन ने पढ़ा था हैलोपेरिडोल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक था, जो ब्यूटायरोफिनोन से रिलेटेड की बात हो रही थी। तो यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्रेंड देखिएगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, करेक्ट है, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक कैटेगरी में आ रहा है ये, और हैलोपेरिडोल हमारा ये वाला ड्रग आ रहा है। ओके, तो ये वाला ड्रग है, तो इस तरह से हमारा हैलोपेरिडोल हो गया। अब बात करते हैं फिर उसके बाद में अजेस पाइपरिडीन रिंग, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पाइपरिडीन रिंग सिस्टम ये वाला, इस वाले रिंग सिस्टम को हम पाइपरिडीन रिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, पाइपरिडीन क्या होता है, सिक्स मेंबर रिंग होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है एक, और इसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, हम इसको पाइपरिडीन रिंग बोलते हैं। ओके, पाइपरिडीन रिंग बोलते हैं, फाइन। और उसके बाद में आता है फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, ये फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, ब्यूटायरोफिनोन तो ये हो ही गया और फ्लोरीन ये साथ में आ गया, तो इसको इस बोलेंगे फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव। इसका मतलब ये भी सही है, मींस आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स क्वेश्चन की बात करें, डाइजेपाम इज, डाइजेपाम क्या है, देखिएगा फ्रेंड्स डाइजेपाम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ये है, डाइजेपाम कौन सी कैटेगरी का है, आपको पता होना चाहिए, सेडेटिव कैटेगरी का है, सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी का है। ओके, सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी का है, आपको ये शायद पता होगा, जो नींद लेने के लिए या पेशेंट को काम करने के लिए, कूल करने के लिए दिया जाता है, एंग्जाइटी कंडीशन में दिया जाता है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका बेसिक न्यूक्लियस है, जिसको अपन बोलते हैं ये बेंजीन रिंग सिस्टम है, और बेंजीन रिंग सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है, दो नाइट्रोजन है, सेवन मेंबर रिंग सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं बेंजोडाइजेपीन। ओके, ये बेंजोडाइजेपीन है जो ये वाला नाम बता रहा है, और सेडेटिव हिप्नोटिक की तो बात आ ही रही है, इसका मतलब दो आंसर करेक्ट है यहाँ पे, मींस आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया अबव ए एंड बी, बेंजेपीन गलत है, ये इसका डेरिवेटिव नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो विच ड्रग पजेस पाइपरिडीन रिंग सिस्टम। पाइपरिडीन रिंग सिस्टम को देखने के लिए हमें यहाँ पे इन तीनों ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहला है हैलोपेरिडोल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हैलोपेरिडोल में ये वाला पाइपरिडीन रिंग सिस्टम है। जैसा कि मैंने बताया था, पाइपरिडीन रिंग सिस्टम क्या होता है, पाइपरिडीन रिंग सिस्टम होता है, सिक्स मेंबर रिंग होती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है और उसमें डबल बॉन्ड
नहीं होते, इसको बोलते हैं हम पाइपरिडीन। ओके, तो ये वाली पाइपरिडीन रिंग सिस्टम इसमें हो गई। फिर दूसरा बात करते हैं ग्लूटेथेमाइड की, बात करें तो ग्लूटेथेमाइड में भी यही स्ट्रक्चर आ रही है, देखिएगा ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, ये अगेन पाइपरिडीन रिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद में आता है बाइपेरिडीन, बाइपेरिडीन में भी ये रिंग सिस्टम आ रहा है, इसमें डबल बोन्ड नहीं है, वही डबल रिंग सिस्टम आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जैसा कि इन तीनों में ही पाइपरिडीन रिंग सिस्टम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के से पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको देखो बोलूंगा, यदि यहाँ पे क्वेश्चंस अप टू द मार्क है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल करिए और सब्सक्रिप्शन लेते हुए अपने इस चैनल का, जो आपका अपना चैनल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच इज ट्रू फॉर कैफीन, कैफीन के बारे में कौन सा सत्य है। कैफीन के बारे में लगभग सारी चीज बताऊंगा जो मेन एग्जाम में या कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा गया है। फ्रेंड्स ये है कैफीन की स्ट्रक्चर, कैफीन का नाम सुनते हैं तो चाय और कॉफी की बात आती है, तो जैसा कि आपको पता है चाय और कॉफी का मतलब, इसका मतलब हो गया इसका सोर्स टी प्लांट और कॉफी प्लांट दोनों में कॉफी मिलता, कैफीन मिलता है। टी प्लांट होता है थी सिनेंसिस और कॉफी या अरेबिया का ये होता है। ओके, तो दो तो इसका सोर्स हो गया, ये हो गया इसका सोर्स, क्लियर। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है कौन सा, इसकी केमिकल क्लास के बात करें तो यहाँ पे इसका रिंग सिस्टम जो होता है, यहाँ पे ये वाले रिंग सिस्टम को प्यूरीन डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, प्यूरीन डेरिवेटिव बोलते हैं जिसका केमिकल क्लास हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा कि आपको पता है हमें नींद आ रही होती तो कॉफी पी लेते हैं, तो चाय पी लेते हैं, तो आपको क्या लगता है नींद उड़ जाती है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बेसिकली साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फोस्फो डाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, किस किस तरह के एक्शन होते हैं यहाँ पे, इसके इस तरह से एक्शन होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, इसका मतलब हमारा ब्रेन काम करने लग जाता है, इसको बोलते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक, मतलब ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। ओके, दूसरा आता है ब्रोंको डायलेटर का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स ब्रोंको डायलेटर का मतलब ये अस्थमा में यूज होगा, अस्थमा में यूज होगा। ओके, तो अस्थमा में यूज हो रहा है, एंड डायूरेटिक मतलब यूरिन का आउटपुट ये ज्यादा देता है यदि हम कॉफी या चाय पीते हैं तो। ओके, इसका मतलब एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करेगा, एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लगभग सारी चीज बता दी है, तो देखना यहाँ पे एनालेप्टिक पहला ऑप्शन आ रहा है एनालेप्टिक का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है डायूरेटिक का, जैसा कि आपको पता है डायूरेटिक का, तीसरा ऑप्शन आ रहा है ये प्यूरीन से रिलेटेड, प्यूरीन डेरिवेटिव की बात हो रही है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसको देखने से पहले मैं अपन इन देखते हैं क्या क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स जो बेंजीन रिंग है, एक ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन पे दो OH ग्रुप लगा देंगे फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे, तो इसको बोलते हैं कैटेकोल। ओके, कैटेकोल से डेरिवेटाइज करते हैं तो एड्रेनलिन बनता है, ये वाला कैटेकोलामीन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आता है आइसोप्रेनोलीन, अगेन ये कैटेकोल आ रहा है क्योंकि बेंजीन पे वही 1-2 पोजीशन पे और OH ग्रुप है, बेंजीन पे 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनोलीन आर कैटेकोल डेरिवेटिव, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओके, अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है प्रोप्रानोलोल क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर ये तो हो गया बीटा ब्लॉकर। और दूसरी चीज ये इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन पे यदि OH ग्रुप होता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, नेफ्थोल।
नेफ्थोल बोलते हैं, और यदि इस फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो हम इसको अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं, यदि इस पोजीशन पे जुड़ा होता है तो हम इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा पोजीशन। ओके तो ये क्या हो गया, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल इज नेफ्थोल डेरिवेटिव, नेफ्थोल डेरिवेटिव है, बीटा ब्लॉकर आ गया, प्रोप्रानोलोल आ गया, क्लियर है। इसका मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमारा सही है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे ऑब्जेक्ट की प्रोपेंथेलीन, प्रोपेंथेलीन बेसिकली क्या होता है, ये इस रिंग सिस्टम जो होता है, ये बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई है, किसके साथ में, बेंजीन एक साइक्लिक सिक्स मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है, तो इस पूरे रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जेंथेन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है, मतलब जेंथेन डेरिवेटिव होता है कौन, प्रोपेंथेलीन। ओके तो इस तरह से हमारा आंसर सी भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज विच इज बेंजोथायाडायजीन डेरिवेटिव। ओके बेंजोथायाडायजीन डेरिवेटिव को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे चारों ड्रग्स की डिटेल बताता हूं, तो मैं इस तरह से आपको चार क्वेश्चन याद करवाऊंगा। ओके तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है, पहला जैसे डायजेपाम अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिससे जैसे कि आपको पता है कि ये वाला, इस वाले रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बेंजोडायजेपिन बोलते हैं, जो डायजेपाम का स्ट्रक्चर आया था आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले और अब दोबारा पढ़ रहे हैं अपन। ओके तो बेंजोडायजेपिन इसको याद रखिएगा, बेंजो का मतलब एक बेंजीन, डाया का मतलब दो नाइट्रोजन, और एजा का मतलब नाइट्रोजन, ईपीन का मतलब सेवन मेंबर रिंग सिस्टम। ओके तो इस तरह से डायजेपाम में बेंजोडायजेपिन याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोथायाजाइड, जैसा कि हमारा ये वाला सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कौन सा रिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं बेंजोथायाडायजीन। तो देखिएगा आप यहाँ पे बेंजो का मतलब बेंजीन रिंग सिस्टम हो गया, थाया का मतलब सल्फर हो गया, डाई का मतलब दो हो गया, एजा का मतलब नाइट्रोजन हो गया, जीन का मतलब सिक्स मेंबर, इन का मतलब सिक्स मेंबर हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे एक सल्फर है, दो नाइट्रोजन है, और ये सिक्स मेंबर रिंग सिस्टम है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोथायाडायजीन। ओके फिर अपन बात करते हैं इमिप्रामीन की, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ एक बेंजीन है, दूसरा बेंजीन है, यहाँ पे रिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, सेवन मेंबर रिंग सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजन है, जिसको बोलते हैं एजीपीन। क्या बोलते हैं, एजीपीन। ईपीन जहां वर्ड आता है, ईपीन का मतलब होता है सेवन। ओके एजा का मतलब एक नाइट्रोजन हो गया, डाई का मतलब दो हो गया, बेंज का मतलब यहाँ पे बेंजीन हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे दो बेंजीन रिंग सिस्टम जुड़ी हुई है, दो बेंजीन रिंग सिस्टम जुड़ी हुई है, और नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है वो सेवन मेंबर के साथ में, एक बेंजीन ये हो गया, दूसरा बेंजीन ये हो गया, और यहां पे ये ईपीन हो गया, तो इसको बोलते हैं डाइबेंजा एजीपीन। ओके नाउ फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है फाइसोस्टिग्माइन, जैसा कि आपको पता है ये फाइसोस्टिग्माइन हो गया। फाइसोस्टिग्माइन में देखना आप लोग, यहाँ पे इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये होता है इंडोल, इसीलिए फाइसोस्टिग्माइन को इंडोल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जैसा कि आपको पता लग रहा है हाइड्रोक्लोरथायजाइड से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरथायजाइड। ये बहुत बार जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले गेट हुआ करता था उस टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ है, और डीसीओ या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन, बाइग्वेनाइड डेरिवेटिव इज, अगेन मैं यहां पे चार क्वेश्चन याद करवाऊंगा, चारों क्वेश्चन को याद करने के लिए देखना, यहाँ पे मैं चारों के स्ट्रक्चर और उसको बताऊंगा। तो क्लोर प्रोपेमाइड पहला हमारा एग्जांपल आ रहा है, जैसा कि क्लोर प्रोपेमाइड का मतलब, क्लोर का मतलब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एमाइड का मतलब COOH ये होता है, तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन होता है, तो प्रोपेमाइड हो गया, यहाँ पे प्रोपेमाइड हो गया, और ये वाला जो होता है इसको सल्फोनामाइड ग्रुप बोला जाता है। ओके
तो बेसिकली यह सल्फोनामाइड, और ये पूरा का पूरा यदि बात करूं तो ये वाला पार्ट हो गया यूरिया, ये हो गया सल्फोनाइल। तो सल्फोनाइल यूरिया का एग्जाम्पल भी कहलाता है। क्या कौन सा कहलाता है? ये सल्फोनाइल यूरिया। ओके, सल्फोनाइल यूरिया का एग्जाम्पल भी कहलाता है कौन? क्लोरप्रोपेमाइड। ओके, फिर उसके बाद में तो देखिएगा ये सल्फोनाइल यूरिया आ गया आपको, जैसा कि मैंने बताया था। फिर आता है फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन का ये स्ट्रक्चर है, फेन का मतलब फिनाइल, ये हो गया, फॉर्मिन का से ये वाला स्ट्रक्चर ये लर्न करना है। बेसिकली फेनफॉर्मिन किसका डेरिवेटिव होता है? ये होता है बाइगुएनाइड का, और ये वाला जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बाइगुएनाइड बोलते हैं। इस फॉर्म को बाइगुएनाइड बोलते हैं। तो याद रखिएगा फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर हो गया मेनाडायोन। मेनाडायोन थर्ड स्ट्रक्चर आता है हमारा ये वाला, जिसमें मेनाडायोन डाई का मतलब दो और ओन का मतलब कीटोन ग्रुप। ओके, कीटोन ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब बेंजीन के साथ ये दो कीटोन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाले दो कीटोन ग्रुप है बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है डाइहाइड्रोक्विनोन बनता है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है विदाउट मिथाइल ग्रुप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्विनोन। ओके, मेनाडायोन क्या होता है? विटामिन के का स्ट्रक्चर होता है, विटामिन के का स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर आता है लिग्नोकेन, जैसा कि दिख रहा है समझ में आ रहा होगा। लिग्नोकेन का मतलब बेंजीन के साथ में रिंग सिस्टम जुड़ा है ये वाला फॉर्म, और ये फॉर्म किस फॉर्म को बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमाइड। ओके, तो एक तो फॉर्म ये होता है, दूसरा बेंजीन के साथ जोड़ते हैं इस वाले फॉर्म को तो हम बोलते हैं इसको एसिटेनलाइड। क्या बोलेंगे? इस जो मैंने गोला किया है इसको बोलते हैं एसिटेनलाइड। तो ये हो गया एसिटेनलाइड। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे लिग्नोकेन कौन सी कैटेगरी का होता है? लोकल एनेस्थेटिक का होता है, लोकल एनेस्थेटिक का होता है, और अरेदमिक, एंटी अरेदमिक भी होता है, एंटी अरेदमिक होता है। ओके, फेनफॉर्मिन एंड क्लोरप्रोपेमाइड, फेनफॉर्मिन एंड क्लोरप्रोपेमाइड कौन सी कैटेगरी के होते हैं? एंटी डायबिटिक कैटेगरी के होते हैं, एंटी डायबिटिक कैटेगरी के होते हैं। ओके, और विटामिन के मेनाडायन होता है, ये तो मैंने यूज बता दिया। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में करीबन करीबन मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बाइगुएनाइड का नाम से समझ में आ गया होगा आपको, फेनफॉर्मिन की बात कर रहा था ये। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, विच स्टेटमेंट फॉर फाइटोस्टिग्माइन इज करेक्ट। मतलब फाइटोस्टिग्माइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा है ये। तो अपन बात करते हैं फाइटोस्टिग्माइन की, मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताता हूँ फाइटोस्टिग्माइन के जो इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फाइटोस्टिग्माइन का ये स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो पहला पॉइंट है बेसिकली फाइटोस्टिग्माइन नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट ये किससे मिलता है फ्रेंड्स? ये देखना, ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलता है। ओके, तो यहाँ पे कौन से प्लांट से मिलता है? देखिएगा ये फाइटोस्टिग्मा वेनेनोसम होता है जिससे मिलता है, जिसका लोकल लैंग्वेज में नाम होता है कालाबार बीन और ऑर्डेल बीन। ओके, फिर अगर दूसरी बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेगुमिनस प्लांट से प्लांट के जो ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी का है? लेगुमिनस प्लांट होता है जिसकी सीड से इंडोल एल्केलॉइड मिलते हैं, इंडोल एल्केलॉइड मिलते हैं। मतलब ये जो रिंग सिस्टम है स्ट्रक्चर में देखिएगा, रिंग सिस्टम में जो इंडोल रिंग सिस्टम है ये वाला इंडोल है, इसको बोलते हैं अपन इंडोल। ओके, और जैसा कि आपको पता है कि एल्केलॉइड है तो एल्केलॉइड इंडोल एल्केलॉइड की कैटेगरी में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा ये पैरासिम्फेटोमाइमेटिक कैटेगरी का है, पैरासिम्फेटोमाइमेटिक कैटेगरी का है। तो देखिएगा आप लोग, पैरासिम्फेटोमाइमेटिक कैटेगरी किस तरह से होता है? बेसिकली ये एक एंजाइम होता है, उसका इनहिबिटर की तरह काम करता है। कौन सा एंजाइम? कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है जिसका इनहिबिटर की तरह काम करता है। ओके, और यहां पे किस तरह से देखिएगा
यूज कम कैसे करते हैं यहाँ पे, यूज करने के लिए आप देखना यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा को यूज की में यूज किया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आपने लगभग लगभग फाइसोस्टिग्मिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन या सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो देखिएगा इंडोर एल्कलॉइड मैंने जैसा कि बताया हैज पैरासिम्पेथोमिमेटिक एक्शन, करेक्ट है। रिवर्सिबल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर की तरह काम करता है, करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव हो गया, करेक्ट। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपके एक कमेंट की जरूर एक्सपेक्टेशन करता हूं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स, विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एट्रोपीन। एट्रोपीन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो एट्रोपीन जैसा आपको पता है एट्रोपीन का ये वाला स्ट्रक्चर है, अगेन वही चीज जैसा कि लगभग लगभग फाइसोस्टिग्माइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। एट्रोपीन बेसिकली अगेन नेचुरल प्रोडक्ट है, अगेन नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट किससे मिलता है, ये बेसिकली प्लांट से मिलता है अगेन, ओके। तो प्लांट से, कौन से प्लांट से मिलता है, आप देखिएगा एट्रोपा बेलोडोना, दतुरा इनोक्सिया, दतुरा मेटल, दतुरा स्ट्रोमिनियम से, इन सभी से क्या मिलता है, एट्रोपिन मिलता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, बेसिकली ये सोलेनेसी फैमिली का ड्रग है जो होल प्लांट ही ट्रोपेन एल्कलॉइड की तरह देता है। ट्रोपेन यहाँ पे ट्रोपेन एल्कलॉइड जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ट्रोपेन एल्कलॉइड की कैटेगरी में डालते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बेसिकली अगेन एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी का ड्रग है। एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी का ड्रग जिसका दूसरा नाम है पैरासिम्पेथो लाइटिक भी बोलते हैं, पैरासिम्पेथोलाइटिक भी बोलते हैं। और नेक्स्ट की बात करें कि ये एक्शन किस तरह से देता है, बेसिकली मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन आता है, ओके, क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स कौन सा पॉइंट, किसमें यूज करते हैं या किस तरह से काम करता है ये एज ए, इस मस्कुलिनिक रिसेप्टर को इनिबिट करने की वजह से एज ए पोटेंट मेड्रियाटिक एक्शन होता है और एज ए एंटी स्पाज्मोडिक की तरह काम करता है। पोटेंट मेड्रियाटिक का मतलब हो गया यहाँ पे आपकी पुतली को फैलाता है, चौड़ा करता है, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है किस तरह से एक्शन और देता है, एज ए एंटी सिक्रेटरी इन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में सिक्रेशन को रोकता है और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी इसका यूज होता है। ये मैंने आपको मेन यूज बताया, ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, इसके यूजेस के पॉइंट्स हैं, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इसकी कैटेगरी है, कौन सी फार्माकोलॉजी कैटेगरी है, ये इसकी एल्केलॉइड कैटेगरी है और ये इसका सोर्स है। ये इसका मतलब मैंने आपको एट्रोपिन के बारे में सारी चीज बता दी है, ओके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है मेड्रियाटिक एक्शन है, करेक्ट है। ट्रोपेन डेरिवेटिव है, करेक्ट है। ट्रोपेन एल्केलॉइड है, ऑप्टेड फ्रॉम एट्रोपा बेलोडोना, करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ओके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर स्टेटमेंट फॉर ग्लूटिथियमाइड। ग्लूटिथियमाइड की बात करेंगे, देखिएगा मैं सारे के सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ ग्लूटिथियमाइड, ग्लूटिथियमाइड की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन सी कैटेगरी का है, सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी का है। पहली बात तो है सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी का है, मतलब एंग्जाइटी में इसको यूज लिया जाता है, ओके। एंग्जाइटी में यूज लिया जाता है, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब नींद नहीं आना, इंसोम्निया कहलाता है, मतलब सुलाने के काम में आता है, नींद लाने के काम आता है, कौन, ग्लूटिथियमाइड, ओके। अब बात करते हैं ग्लूटिथियमाइड के अपन स्ट्रक्चर की बात, तो ये वाला ग्लूटिथियमाइड का स्ट्रक्चर आ गया, ओके। फिर अब अपन बात करते हैं कि ग्लूटिथियमाइड का स्ट्रक्चर कैसे बना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले ग्लूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करना। ग्लूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखना कितने कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन होते हैं जिसमें टर्मिनल दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, ओके। 5 कार्बन होते हैं जिसमें दोनों तरफ CWH ग्रुप होता है, उसको हम ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं। यदि
यदि हम इसमें NH3 की रिएक्शन करवा दें, अमोनिया जोड़ दें, तो ये बनता है इसको रिंग दोनों तरफ से यहां से और यहां से अटैच कर दो इस नाइट्रोजन के साथ में, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये एक रिंग सिस्टम बनता है जो क्या हो गया, ये एसिड था, एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराया तो एमाइड बन गया, जिसको बोलते हैं ग्लूटेरी इमाइड। इमाइड क्यों बोलते हैं कि यहां पे नाइट्रोजन दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको इमाइड बोलते हैं। ओके, तो यहां पे देखिएगा ये साइक्लिक एमाइड हो गया क्या, रिंग सिस्टम है इसलिए साइक्लिक एमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक एमाइड भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसमें ये किस, इसमें ये रिंग सिस्टम भी है, इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पाइपरिडीन रिंग सिस्टम बोलते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और ये पाइपरिडीन रिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है ये वाला। ओके, तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, सेडेटिव है, करेक्ट है, पाइपरिडीन रिंग सिस्टम मिल रहा है, ये भी करेक्ट है, पाइपरिडीन रिंग सिस्टम आ गया। साइक्लिक एमाइड और ग्लूटेरिक एसिड करेक्ट है, साइक्लिक एमाइड और ग्लूटेरिक एसिड ये है, सही है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 की, विच इज सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा हमारे सामने तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन की हम जब तक स्ट्रक्चर नहीं देख लेते तो हमें पता नहीं लगेगा कि सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग है या नहीं है। ओके, तो मैं आपको याद करवाता हूँ, फ्यूरेसियमाइड, फ्यूरेसियमाइड का स्ट्रक्चर ये है, फ्यूरान रिंग सिस्टम होता है, ये फ्यूरान रिंग सिस्टम इसमें, और जो सल्फोनामाइड होता है, सल्फोनामाइड के लिए क्या होता है, देखिएगा एसओ 2NH2 ग्रुप होगा जिसमें, उसको हम सल्फोनामाइड बोलते हैं। ओके, तो देखिएगा यहां पे कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, ये हाई सीलिंग डायुरेटिक, मतलब पोटेंट डायुरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, और इसमें फ्यूरान रिंग सिस्टम है, इस वाले रिंग सिस्टम को हम फ्यूरान बोलते हैं, और ये वाला हमारा क्या है, सल्फोनामाइड है। ओके, तो यहां हो गया सल्फोनामाइड, इसका मतलब फ्यूरेसेमाइड में तो सल्फोनामाइड है हमारा पहला ऑप्शन। ओके, फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड की, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का ये वाला स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और इसमें कौन कौन सा रिंग सिस्टम है, ये कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, वही अगेन डायुरेटिक का है, लेकिन मीडियम पोटेंसी होता है इसका, और यहां पे इसमें कौन कौन सा रिंग सिस्टम है, जैसा कि बेंजोथायाडायजीन, डायाजीन है यहां पे, डायाजीन, ओके, डायाजीन कैटेगरी का है, और यहां पे सल्फोनामाइड ये वाला हो गया, ये SO2NH2 हो गया, और इस रिंग सिस्टम को बोलते हैं बेंजोथायाडायजीन। ओके, ये रिंग सिस्टम हो गया आपका बेंजोथायाडायजीन, तो यहां पे सल्फोनामाइड ये वाला भी आ गया, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड में भी सल्फोनामाइड होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्लोरप्रोपेमाइड, क्लोरप्रोपेमाइड का ये वाला स्ट्रक्चर है, और ये क्लोरप्रोपेमाइड कौन सी कैटेगरी का है, जैसा कि आपको पता है एंटी डायबिटिक कैटेगरी का है, और यहाँ पे कौन सा सल्फोनामाइड कैटेगरी आ रही है, और सल्फोनाइल यूरिया आ रहा है, देखिएगा ये जो मैं गोला लगा रहा हूं ये तो हो गया सल्फोनामाइड, और जो बड़ा वाला गोला है ये पूरा का पूरा हो गया सल्फोनाइल यूरिया। ओके, तो ये छोटा वाला तो हो गया सल्फोनामाइड, और बड़ा वाला गोला हो गया सल्फोनाइल यूरिया, क्योंकि यूरिया ग्रुप जुड़ा है NHCO, यूरिया क्या होता है NH2CONH2। ओके, तो ये हो गया सल्फोनाइल यूरिया। तो यहां पे कहने का मतलब तीनों ही ड्रग हमारी सल्फोनामाइड कैटेगरी की आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4th, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड जिसको हम पाबा बोलते हैं डेरिवेटिव इज, किस में पाबा डेरिवेटिव है फ्रेंड्स, पाबा का स्ट्रक्चर ये वाला है बेंजीन की पैरा पोजीशन पे, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया पैरा, फोर्थ पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं, इस ग्रुप को हम एमिनो ग्रुप बोलते हैं, और बेंजीन पे क्या होता है OH ग्रुप, CWH ग्रुप लगते हैं, बेंजोइक एसिड हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड हो गया, और पैरा पोजीशन एमिनो ग्रुप होता है पाबा होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। इसका डेरिवेटिव कौन सा ड्रग है, तो हम तीनों ड्रग्स की स्ट्रक्चर देखेंगे यहां पे, तीनों ड्रग्स की स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, लिग्नोकेन की स्ट्रक्चर आ रही है, लिग्नोकेन की स्ट्रक्चर आ रही है, देखिएगा आप लोग, तो यहां पे इसमें लिग्नोकेन में
ये जैसा कि मैंने बताया था किसका डेरिवेटिव था, लिग्नोकेन। यहाँ पे इसमें पापा नहीं है, जैसा कि आपको पता है लिग्नोकेन किसका डेरिवेटिव था, एसेटा एनिलाइड का डेरिवेटिव था, एसेटा एनिलाइड का डेरिवेटिव था। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोकेन। जो प्रोकेन का स्ट्रक्चर ये वाला है, प्रोकेन का स्ट्रक्चर ये है, देखिएगा आप लोग। प्रोकेन का स्ट्रक्चर देखने से जैसा कि एमिनो ग्रुप ये ग्रुप हो गया, सी डब्ल्यू एच ग्रुप यहाँ पे ये वाला है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पापा का डेरिवेटिव निकल आया। ओके, ये पापा का डेरिवेटिव हो गया। फिर थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, एट्रोपीन। हालांकि इसमें एस्ट्रो ग्रुप तो है जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको हम एस्ट्रो ग्रुप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पापा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी पापा नहीं है, ये क्या है, ट्रोपेन एल्कलॉइड है, जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सा, ट्रोपेन एल्कलॉइड कैटेगरी का है। ओके, तो यहाँ पे देखने से पता लग रहा है ये हमारा एट्रोपीन आ गया ये वाला। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कौन सा हो गया हमारा, आपको लग रहा है यहाँ पे पापा यही है प्रोकेन में, तो प्रोकेन वाला ही पापा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 फॉर डाइफेन हाइड्रामीन विच इज करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन डाइफेन हाइड्रामीन से रिलेटेड है, तो डाइफेन हाइड्रामीन का ये अपन बात करते हैं। मैं सारे पॉइंट बताता हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे इन पांचों स्टेटमेंट को में से आंसर कौन सा है, आंसर हमें ABCD निकालना है। तो इससे समझने के लिए हमें डाइफेन हाइड्रामीन के बारे में सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला पॉइंट कौन सा है, ये एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का ड्रग है जिसमें H1 एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। ओके, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो ये बेसिकली H1 एंटागोनिस्ट कौन सी कैटेगरी का आता है, बेसिकली फर्स्ट जनरेशन होता है एज H1 एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का आ रहा है। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट H1 एंटी हिस्टामिनिक कौन सा एक्शन देता है, ये एंटी एलर्जिक एक्शन देता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। फिर आता है उसके बाद में, ये हाईली सेडेटिव है। हाईली सेडेटिव कौन सा है, ये फर्स्ट जनरेशन का नेचर होता है, ये फर्स्ट जनरेशन का नेचर होता है, हाईली सेडेटिव एक्शन देता है। और H1 एंटी हिस्टामिनिक कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता है एलर्जिक, एंटी एलर्जिक की तरह काम करता है। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जैसा कि आपको पता है कि इसकी स्ट्रक्चर ये है, डाइफेन हाइड्रामीन की स्ट्रक्चर ये आ गई। तो यहाँ पे इसका केमिकल क्लास देखते हैं, तो केमिकल क्लास की बात करते हैं, इसमें इस ग्रुप को हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप। ओके, और यहाँ पे OH ग्रुप, ये ऑक्सीजन के साथ में एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के रिंग, जब ये वाली ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एमिनो एल्कोल ईथर। ईथर लिंकेज आ रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो एमिनो एल्कोल ईथर डेरिवेटिव की तरह काम करता है, मतलब इसकी केमिकल क्लास कौन सी होगी, एमिनो एल्कोल ईथर। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन क्या है, पहला है एज ए एंटी एलर्जी की तरह, पहला हो गया करेक्ट है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, एमिनो एल्कोहल डेरिवेटिव है, दूसरा भी सही है, एमिनो एल्काइल डेरिवेटिव ये नहीं है क्योंकि ये कैटेगरी हम बता चुके। थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है सेडेटिव एक्शन है, ये वाला भी सही है, सेडेटिव एक्शन भी होता है। और फिफ्थ है पाइरिडीन रिंग सिस्टम है, इसमें पाइरिडीन रिंग सिस्टम नहीं होता, इसमें बेंजीन रिंग सिस्टम होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। डाइफेन हाइड्रामीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स इसके बता दिए हैं। ओके, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है, फिर मैं नए वीडियो लेके आऊंगा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अगेन धन्यवाद देता हूं, थैंक यू वंस अगेन।